में एक दिन फॉल, फिर उसके बाद उतनी स्ट्रांग रिकवरी। आईटी का भी जिक्र किया सुदीप सर ने, आईटी के स्टॉक में भी हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग दिन में बड़ी जोर की रैली आई। अब पता नहीं, मतलब जैसे टीसीएस जैसे स्टॉक 52 वीक हाई पे खड़े हुए हैं। क्या चल क्या रहा मार्केट में? अंदर अंदर लोग या देख लेते हैं कि ये वाला नहीं चला चलो इसको चलाएं, ये वाला नहीं चला चलो इसको चलाएं, जो जो सस्ता देखिए, क्योंकि पैसा इतना है कि कुछ ना कुछ तो करना है आज। ये चल रहा है क्या? नमस्कार नीरज जी। देखो नीरज जी, आई थिंक मार्केट में जैसा आपने कहा कि क्या सब कुछ चंगा है, क्या सब कुछ ठीक ठाक है, तो आई थिंक उसमें मैं बोलूंगा कि बाकी सब ठीक ठाक है। जो एक बोलते हैं क्या इन्फ्लेशन एक कंसर्न है, आरबीआई भी बात कर रही थी कि जो इन्फ्लेशन को लेके हमें काफी चिंताएं बरकरार है, बाकी सब ठीक ठाक है। क्या एम्प्लॉयमेंट चलता है, आई थिंक बाकी सब ठीक ठाक है। क्या मोदी जी नेक्स्ट इलेक्शन जीत गए हैं, आई थिंक मार्केट ने मान के चल दिया है कि बम्पर मेजोरिटी से ऑलरेडी इलेक्शन जीत चुके हैं। क्या यूएस में इंटरेस्ट रेट जो 1 से 1.5% का कट, मार्केट जो लास्ट पॉवेल साहब ने कमेंट्री दी ऑलमोस्ट ऐसे डिस्काउंट कर लिया कि इट्स अ डन डील, यूएस में इलेक्शंस हैं। सो आई थिंक मार्केट आने वाले इवेंट्स को काफी हद तक ऑलरेडी डिस्काउंट कर रही है, कर चुकी है, एंड दे बिन राइडिंग ऑन दैट भी। और जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि जिस तरह का अभी हमने 2 दिन पहले फॉल देखा था, आप अभी मित्रगणों से पूछ भी रहे थे क्या वो फॉल कुछ रीजनेबल फॉल था, वेदर इट वॉज अ लॉजिकल फॉर्म। इस तरह के मार्केट में आई थिंक इट इज डिफाइंग लॉजिक एट टाइम्स। और जो एक हमारे को, जैसे हमने तो अपने क्लाइंट्स के साथ भी देखा, आई थिंक वो बहुत शायद चिंता के बादल नहीं थे उस फॉल में भी, एंड पीपल वर स्टिल एग्रेसिवली सर्चिंग फॉर आइडियाज कि कहां पर बड़ा फॉल आ गया, विल डिप्लॉय सम मोर मनी, विल बाय इनटू सेक्टर्स कि जहां पर फॉल आया। सो शायद एक लॉजिकल रीजन देखने को मिल रहा था कि शायद 21,500 जो निफ्टी ने था, शायद एक एल्गो ट्रिगर आया वहां पर कुछ एक सीरियस प्रॉफिट बुकिंग के लिए, या दिसंबर में जैसा कि हम देखते हैं कि कुछ एक एग्रेसिव प्रॉफिट बुकिंग शायद कुछ फंड्स और एफआईएस की तरफ से आ गई, दे वांटेड टू पुट इन द मनी एंड प्रॉफिट्स इनटू देयर बास्केट टू गेट एक्स्ट्रा बोनसेस रादर देन स्टे इन द बुक्स। तो सारी चीजें चल रही हैं, सेक्टर रोटेशन चल रही है, बट ऑल इन ऑल आई थिंक मार्केट एक बड़ी सीरियस पॉजिटिव गोल्डीलॉक्स सिनेरियो में, एंड मार्केट जस्ट कैन नॉट सेंस एनीथिंग नेगेटिव कमिंग इनटू द मार्केट फॉर नेक्स्ट 3-4-6 months kind of thing, but I think we got to enjoy the market. जैसा कि अभी मित्रगण बोल रहे थे, अगर म्यूजिक ऑन है तो we got to party hard, we got to dance with the party, and we cannot say कि आने वाले वक्त में कोई एक मेजर डेंट आ सकता है। सो आई थिंक एक सब चीजों का समीकरण बना हुआ है, लिक्विडिटी मार्केट में काफी है। सिर्फ एक चीज जो मेरे को लगता है कि पार्टी को और जो एक्सटेंशन दे सकती है, जो कि अभी हमारे को बड़े बिट्स एंड पीसेस में देखने को मिल रही है, एफआईएस की अभी भी एक सीरियस रेगुलर पार्टिसिपेशन नहीं है। हमने देखा था बीच में 2-3 दिन काफी सीरियस मनी फ्लो आया था, बट फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि एग्रेसिव सेलिंग भी देखने को मिली है। सो आई थिंक इट्स बीन काइंड ऑफ अ साइन वेव फ्रॉम एफआईएस, जबकि डोमेस्टिक मनी अभी भी काफी सीरियस आता जा रहा है, ऐसा एसआईपी के फॉर्म में हो, डोमेस्टिक फंड्स के फॉर्म में हो, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के फॉर्म में हो। सो इन सब चीजों का समीकरण देख के मिले, मेरे को लगता है कि अभी अगले नियर टर्म 2-4 हफ्तों की बात करें, देर इज नो रीजन जो हमें बहुत ज्यादा वरीसम लगना चाहिए। एंड नॉट टू फॉरगेट, दिसंबर में एक फिनोमिना पहले देखने को मिलता था, शायद इस साल भी देखने को मिले, एक एनएवी प्रॉपिंग अप जिसे बोलते हैं, और इस बार तो मैं कहूंगा एनएवी प्रॉपिंग अप नहीं, एनएवी मेंटेनेंस ज्यादा होना चाहिए कि जो स्टॉक्स मिड कैप स्मॉल कैप के हैं कि उनको एक ईयर एंड में या लास्ट वीक में एक हायर सिटेडल पे ही बन रहे हैं। सो हमारा अभी भी रुझान यही है कि कहां पर पॉकेट ऑफ सेंट मिल रही है, कहां पर ऐसी पॉकेट्स हैंगी जहां पर वैल्यू अभी भी देखने को मिल रही है, और उसमें हमारे को लगता है कि बैंकिंग एक ऐसा क्षेत्र है पंकज जी, कॉम्पिटेटिव वैल्यू ढूंढी जा सकती है, फार्मास्यूटिकल ऐसा क्षेत्र है ना पंकज जी, वैल्यू भी तुलनात्मक रूप सॉरी कॉम्पिटेटिवली मतलब रिलेटिव वैल्यू, बिल्कुल बिल्कुल मैंने नहीं, रिलेटिव वर्ड यूज किया, ऑन अ रिलेटिव बेसिस बैंकिंग अभी हमारे को ऐसा लगता है कि वहां पर अभी भी वैल्यू देखने को मिल रही है। केमिकल ऐसा स्पेस है जो अब थोड़ा सा उभर के आ रहा है, वेदर इट एक्सटेंशन आती है नहीं आती है। फार्मास्यूटिकल मेरे को लगता है कि दोबारा से उभर के आ रहा है विद ऑल दिस कोविड टॉक अराउंड, मे बी दैट कुड बी वन स्पेस। बट मार्केट में पैसा है, मार्केट में पैसा बना रहेगा, मार्केट से पैसा बाहर नहीं आ रहा, एंड इन स्पाइट ऑफ वी काइंड ऑफ टेलिंग आर क्लाइंट्स की कुछ प्रॉफिट बुक कर लो, पर मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग के लिए अभी मेंटली लोग तैयार हैं। पैसा बन रहा तो क्यों करें प्रॉफिट बुक? जसप्रीत सर, आप लोग पार्टी में
एंजॉय कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि अब बहुत हो गया, निकल लिया जाए, घर से फोन ना आ जाए कहीं? क्या कर क्या रहे हैं आप लोग आजकल? सर ये पार्टी तो यू नो अभी शुरू हुई है, ऐसा भी मान सकते हैं, बट प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड यू आर दैट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, जो यू नो इंडिया के वो 3 to 5 ईयर यू नो नेक्स्ट 3 to 5 ईयर के हिसाब से देख रहे हैं। तो आई एग्री विद माय मतलब फेलो पैनलिस्ट, यू नो थोड़ा थोड़ा कॉशन जरूर बरतने की जरूरत है। डांस फ्लोर पे बने रहें, यू नो प्लीज एंश्योर यू वी डू नॉट फॉल डाउन, एंड आई एम श्योर म्यूजिक बंद नहीं होगा, उतना आई थिंक उतना कॉन्फिडेंस है। धीमा देर विल बी फेजेज जब धीमा हो जाएगा एंड देर बी फेजेज जब एकदम लाउड हो जाएगा, बट दिस दिस डांस फ्लोर विल रॉक सर फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स फॉर श्योर। उसमें यू नो बहुत कारण है, मतलब इतने एलिट ऑडियंस है और पैनलिस्ट हैं, बट अज्यूमिंग अज्यूमिंग जो यू नो नेक्स्ट गवर्नमेंट हमारी यू नो कॉन्क्रीट आ रही है, मेजोरिटी के साथ आ रही है एंड विद द कंटिन्यूड लीडरशिप एंड गिवन द एज फैक्टर, ये प्रॉब्ली लास्ट टेनर हो सकता है यू नो करंट प्राइम मिनिस्टर का। हमारा जो स्थान है फ्रॉम यू नो फ्रॉम 5th वील मूव टू 3rd इन द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स। एंड जो एक यू नो एक ग्राउंड लेवल पे आई वाज रिसेंटली, मैं यू नो प्लांट कुछ प्लांट विजिट्स पे निकला था नॉर्थ में, एंड यू नो कंपनी से मिलते रहते हैं एसएमई में, माइक मिनी स्मॉल मिड स्पेस में, जो ग्राउंड लेवल में एक्साइटमेंट है, एंथुजियाज्म है, यू नो जो अपॉर्चुनिटी को लेके, और कोई खोना नहीं चाहता, सबको मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग, यू नो डिफेंस, एक्सपोर्ट, जहां जहां अपॉर्चुनिटी दिख रही है, पीपल मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट ऑन्टरप्रनोर्स उसको एनकैश करना चाह रहे हैं। ओनली मैन्युफैक्चरिंग में अगर बात करें एंड ऐसे सर्विसेज में भी अपॉर्चुनिटीज हैं और ऐसे एक्सपोर्ट में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो आई थिंक इट इज ऑल एनकम्पेसिंग। तो इट लुक्स टू बी अ वेरी वेरी यू नो एंटरप्राइजिंग जर्नी। बस यही है कि थोड़ा यू नो रिस्क टॉलरेंस हमारा क्या है, एंड यू नो स्मॉल एंड मिड कैप्स माइक्रो कैप्स में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट ना ना दिखाएं। इंसिडेंटली हम लोग कुछ स्टॉक्स ढूंढ रहे थे जो शायद 20-30 P के नीचे मिल जाए ऑन अ ट्रेलिंग बेसिस, बट हार्डली कोई मिलता है आज के दिन में। सबके यू नो एवरीवन इज लाइक 25-30-40 P पे यू नो आ रहे हैं। इनफैक्ट जो आईपीओज भी आते हैं वो भी 40 पे आते हैं और वो डबल होके 80 ट्रेलिंग पी बन जाते हैं रिसेंट केसेस अगर हम देखें। तो अगेन देर आर पॉकेट्स जहां जहां थोड़ा सा यू नो वन हैज टू बी कॉशियस, एंड बाय कॉशियस आई डोंट मीन दे विल टम्बल, बट यू नो साइडवेज कंसोलिडेशन, टाइम करेक्शन 10-20% रेंज में रहना बहुत नॉर्मल है। जी तो सर, इन सेंस थोड़ा सा वन हैज टू बी केयरफुल। दो बातें बड़ी इंटरेस्टिंग हुई सुदीप सर। एक बात ये कही गई अभी कि 20-30 के पी में भी मिल जाए तो बहुत